नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनाली। ज्ञान वापी मस्जिद पर तरह तरह की बयानबाजी सामने आ रही है। एक पक्ष कह रहा है कि ये मंदिर है, यहाँ भगवान भोलेनाथ हैं, तो दूसरा पक्ष कह रहा है यहाँ मस्जिद था, है और कयामत तक रहेगा। तो इन तमाम बयानबाजी के बीच लोग सवाल उठा रहे हैं, जिनमें से एक अखिलेश यादव ने भी कहा है कि हमारे हिंदू धर्म में कहीं भी पत्थर रख दो, एक लाल झंडा रख दो पीपल के पेड़ के नीचे और मंदिर बन गया। इस पर भी लोग भड़के हुए हैं। अखिलेश यादव तो उस भीड़ का हिस्सा ही है जो हिंदू धर्म को ज्ञान वापी के चलते टारगेट कर रहे हैं। ऐसे लोगों को आईना दिखाने का काम किया है श्री काशी सुमेरु पीठ न्यास के संत शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रनंद सरस्वती ने, जिनसे हमारे संवाददाता विकास श्रीवास्तव ने खास बातचीत की है। इस वीडियो में देखिए। ये अखिलेश के मानसिक विकृति का परिचायक है। पत्थर में रंग लगा देना या सिंदूर लगा देना, झंडा लगा देने से मंदिर नहीं होता। मंदिर का पहले शिलान्यास होता है, नींव भरा जाता है, मंदिर बनता है, उसके बाद वैदिक विधि विधान के साथ उस मंदिर में देवताओं की प्रतिष्ठा होती है। प्रतिष्ठा के 16 संस्कार हैं, नगर भ्रमण होता है और समर्थ के अनुसार आयोजक उसमें भी भंडारा आदि का कृत धर्म सभाओं का आयोजन होता है, तब जाके वो पूर्त होता है। उसकी प्राण प्रतिष्ठा वैदिक विद्वानों के साथ साथ कुछ संतों की भूमिका होती है जो मूर्ति के संस्कार में रहते हैं, तब वो मंदिर कहलाता है। ये चुनाव हारने से इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। जो सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं, जो इनके मानसिक विकृति का परिचायक है, ये जो आरोप लगा रहे हैं सत्ता पक्ष को, योगी महाराज के विचार सिद्धांत और सुशासन को इस प्रदेश की जनता ने स्वीकारा है, इसलिए उनको सत्ता सौंपा है। ज्ञान वापी न्यायपालिका में मामला विचाराधीन है। विश्वेश्वर सममलिंगम नास्ति ब्रह्मांड मंडले, विश्वेश्वर के समान इस काशी में दूसरा शिवलिंग नहीं है। जो पंचकोशात्मक शिवलिंग है, जिसका स्कंध पुराण, पद्म पुराण, शिव पुराण और काशी रहस्य में इसका निरूपण किया गया है, वो शिव मंदिर था, है और भविष्य में रहेगा। 1669 में औरंगजेब का फरमान जारी होता है कि उसने मंदिर को तोड़ा है। आज भी सरकारी रिकॉर्डों में वो उपलब्ध है। तो ये कहीं ना कहीं, और जहाँ तक 1991 का ये कानून की बात करते हैं, तो ये वहाँ लागू होता है वक्त की संपत्ति पर कि उसको मूल चूक परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन मंदिर देवता है और देवता का पूजा पाठ होता है, वो जीवंत है, इसलिए यहाँ एक टे लागू नहीं होगा और न इसका कोई प्रभाव इस पर पड़ेगा। इसलिए वहाँ पूजन अर्चन चल रहा है, पूजन अर्चन का वहाँ छूट देना चाहिए। और नंदी उसके सामने है, पूर्वी दीवार में हनुमान जी हैं, पीपल का वृक्ष है और पश्चिमी श्रृंगार गौरी जैसे 2500 इसमें प्रतीक चिन्ह हैं। दुनिया में मुस्लिम देशों में भी मस्जिदें हैं तो उसमें कोई प्रतीक चिन्ह नहीं है और मस्जिदों में कोई मूर्तियों का प्रतीक नहीं होता है। अभी इनके अल्लाह ताला का प्रकरण आया था, कौन कार्टून बना दिया था, कितना बवाल झगड़े हुए। तो जब इनके यहाँ मूर्ति पूजा का हये नहीं है तो इनके मस्जिद में जो हो हमारे प्रतीक चिन्ह है, तो ये मस्जिद नहीं मंदिर था, तोड़ा गया और उसको अब पुनः जो गलतियाँ हुई हैं उस गलतियों का सुधार परिष्कार होना चाहिए। ये सबका कर्तव्य और दायित्व, इसलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को दूर रहना चाहिए। काशी की जो मुस्लिम कमेटी है और हिंदू समाज के जो लोग हैं आपस में इसको मिल बैठ कर न्यायालय के आदेश पर मामला है तो न्यायालय का जो आदेश होगा उसको सबको स्वीकार करना चाहिए। बनारस का अमन चैन शांति सद्भाव भारत का बना रहे, ये शासन तंत्र का कर्तव्य होता है। लेकिन पॉलिटिक्स आग में घी डालने का काम करते हैं, जैसे राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अनर्गल प्रलाप किया, अभी अखिलेश जी ने किया, तो ये बहुत गलत है, गलत पर पार्टी है। सनातन धर्म का अपमान करने का इनको किसी ने छूट नहीं दिया है और जो ये कर रहे हैं
उसी का परिणाम है कि इनकी सत्ता जा रही है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जाको दुख दारुण प्रभु देही, ताकि मत पहले हरे लेही। इनकी मति गति भ्रष्ट हो चुकी है, इसलिए सनातन धर्म का ये लोग अपमान कर रहे हैं। इन्हीं की भाषा में इनको जवाब देने की जरूरत है। गुरु जी, जिस जगह पर शिवलिंग मिला है, जहाँ फव्वारे की बात हो रही है, क्या उस जगह को मंदिर परिसर में होना चाहिए या उसको ले लेना चाहिए मंदिर में? उसको एक तो न्यायालय से मांग किया जाना चाहिए कि उसकी पूजा पाठ हो, और काशी विश्वनाथ न्यास ट्रस्ट उसको लेना चाहिए, पूजन अर्चन होना चाहिए। वो शिवलिंग ही है, फव्वारा नहीं है, ये गलत है, दुष्प्रचार है। शिवलिंग का एक तरह से अपमान है, शिवलिंग ही है, और फव्वारा होता तो चलता, फव्वारा होता तो उसके प्रतीक चिन्ह होते, तो फव्वारे का कोई उसमें प्रतीक चिन्ह नहीं है। वो शिवलिंग था, शिवलिंग ही है, और जहाँ नंदी है उसी के सामने वो शिवलिंग मिल रहा है। तो हमेशा आज तक जितने मंदिर बने हैं तो नंदी का मुख अपने आराध्य शिव की ओर रहता है, इसलिए नंदी भी प्राचीन धर्मशास्त्र ग्रंथ इस बात का प्रमाण और प्रूफ है कि ये जो मिल रहा है ये सच है, और सच को झूठलाया नहीं जा सकता। एक न एक दिन समाज और देश के सामने सच आ जाता है। मुस्लिम समाज को में भी इसमें अपनी उदारता को दिखाते हुए ये झगड़े को ख़त्म करें और हिंदू समाज को दे दें, जिससे वहाँ पूजन अर्चन सद्भाव का वातावरण बना रहे। एक सवाल और गुरु जी, ओवैसी जी ने कहा है कि हम एक मंदिर खो चुके हैं, दूसरी मस्जिद अब नहीं खोएंगे। ओवैसी पगला गया है, यहाँ देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, और कानून में अगर विचाराधीन है जो गलतियाँ इनके मुसलमानों ने किया है, औरंगजेब मोहम्मद गोरी ये भारत के नहीं थे, ये आक्रांता थे, लुटेरे थे, बदमाश थे, उग्रवादी कहिए, आतंकवादी कहिए, क्राइम जराइम को समर्थन करने वाले, तो ये भारत के आदर्श नहीं हो सकते। और अगर मुसलमानों के इनको आदर्श मानना है तो इन्हीं के देश में जाए। भारत में आदर्श के रूप में भगवान राम है, कृष्ण है, वामन है, परशुराम है, हमारे क्रांतिकारी हैं, आज़ादी के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं। इनके प्रति आस्था श्रद्धा रखना चाहिए और अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए उद्योग कर्म करना चाहिए। संत समाज जो हमारे रिट करने वाले हैं उनको हर तरह से तन मन धन से सहयोग देगा, और ज़रूरत पड़ने पर अगर कोई बाधा बनेगा तो उससे भी निपटने का प्रयास किया जाए। तो देखा आपने, संत समाज में सपा प्रमुख पर भयानक गुस्सा है। इसी को लेकर काशी के संत शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती का कहना है कि कहीं सिंदूर लगा देने और झंडा रख देने से मंदिर नहीं बनता। उन्होंने कहा कि मंदिर का पहले शिलान्यास होता है, नींव भरी जाती है, वैदिक विधि विधान के साथ देवी देवताओं की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होती है, प्राण प्रतिष्ठा के 16 संस्कार होते हैं। स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती ने बताया कि चुनाव हारने के कारण अखिलेश यादव का मानसिक संतुलन खो चुका है, जो ये सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि योगी महाराज के विचारों को जनता ने सराहा है और उन्हें सत्ता सौंपी है। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।